सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए, इससे दुनिया की सभी समस्याएं हल हो सकती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहती हूँ ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। आज का पंचांग 12 जनवरी 2021 दिन मंगलवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र सुबह 7:38 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:15 से 4:36 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी धनु राशि पर ही रहेंगे। धनु राशि 12 जनवरी 2021 दिन मंगलवार, आप आज अपने परिवहन के साधन से परेशान हो सकते हैं। अगर कहीं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है तो अपने लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था कर लें और कोई बैकअप योजना तैयार रखें। आज आप किसी भीतरी उलझन से परेशान हैं लेकिन शांति बनाए रखें, यह समय जल्दी ही बीत जाएगा। परिवार के साथ समय बिताएं। आज के दिन अपने मन मुताबिक कार्य को करने में बिताएंगे। अनुभवी तथा विद्वान व्यक्तियों के सानिध्य में समय व्यतीत होगा। इसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। किसी निकट संबंधी के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त होगा और यह भेंट मुलाकात आपको तरोताजा कर देगा। परिस्थिति में भले ही आपको प्रगति नहीं नजर आ रही हो, फिर भी अपने प्रयत्न जारी रखने की जरूरत होगी। सेहत की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी मानसिक स्थिति का असर आपकी सेहत और निर्णय क्षमता पर हो रहा है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से सफल बनाने की कोशिश करते रहें। विद्यार्थियों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर और आपके बीच में मतभेद बढ़ने की वजह से किसी भी निर्णय तक पहुँच पाना आज के दिन कठिन होगा। सावधानियां, किसी अजनबी या अपरिचित व्यक्ति से किसी भी तरह का व्यवहार करते समय सावधान रहें। मनोरंजन के साथ साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा कोई उपलब्धि आपके हाथ से निकल सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। बच्चों को कोई खास उपलब्धि मिलने से मन में सुकून रहेगा। विपरीत लिंगी मित्र से दोस्ती प्रेम संबंधों में परिणित हो सकती है। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में आप कुछ बदलाव आ गया है ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती है क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। बात करते हैं करियर की। आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय ये मदद लौटाने का है। आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यालय में और दृढ़ता से मजबूत होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हो सकता है आज आपको देर तक कार्य करना पड़े, पर यह आपके लिए
सहायक ही सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र की व्यवस्था पर पूरा कंट्रोल रखें, किसी और की गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। कोर्ट के संबंधित कोई भी कार्य अभी रुका रहेगा। सरकारी नौकरी में है तो अपने कार्य किसी के ऊपर न डालकर स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें। बात करते हैं सेहत की। आज आपको शारीरिक रूप से थकाने वाले काम करने होंगे और आप इसका हर पल आनंद लेंगे। आप इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और सभी एथलेटिक और खेलों संबंधित गतिविधियों में काम का प्रदर्शन करेंगे। आप काफी मेहनत करते हैं और सफलता से प्रभावित भी हो जाते हैं। हालांकि जब तक आहार का ध्यान रखेंगे, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।